Hello and welcome to Maluka IAS. Let's start for today. First question for the day is, with reference to the funds under the Member of Parliament Local Area Development Scheme, which of the following statement is correct? So, schemes are important and features of the schemes are important. First, MPLADS funds, they must be used to create durable assets like physical infrastructure for health education. Ab mujhe bataiye. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं लोकल एरिया की डेवलपमेंट तो क्या किया जाएगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा हाँ किसके लिए हेल्थ और एजुकेशन के लिए बिल्कुल सही नेक्स्ट अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड इट मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी पॉपुलेशन ये स्कीम का फीचर है क्या है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एमपीएलएडीएस फंड दे आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस And unused fund, they cannot be carried forward to the next year. Now it is saying कि उसको ये yearly basis पर sanction किया जाता है और जो unused fund है उसको आप carry forward नहीं कर सकते next year. गलत है क्यों है आगे देखेंगे Next, a district authority, they must inspect at least 10% of all work under the implementation of every year. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका ये फंड है उनको अलॉट किया गया है वो इस फंड को यूज करेंगे कहाँ करेंगे उनकी चॉइस होगी बट किया है उन्होंने या नहीं किया है तो कितना एफिशिएंटली किया है इसका कंट्रोल होना चाहिए ना तो इसका कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ऊपर क्यों क्योंकि वो लोकल एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं सो लोकल एरिया में जो मेन एक सुपरवाइजरी बॉडी है वो कौन है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सो ये उसके अंडर जो है उनके सुपरविजन या उनके कंट्रोल में होगा क्या कंट्रोल में होगा काम जो काम हो रहा है अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं सबसे पहले फिर हम ये क्वेश्चन को करेंगे फीचर्स आर एमपीएलएडीएस जो फंड है इसमें ये बोला गया है कि 15% आर टू बी यूटिलाइज फॉर एरिया दैट आर इनहेबिटेड बाय फॉर एससी पॉपुलेशन एंड 7.5 फॉर एसटी पॉपुलेशन अगर ये प्रोविजन है दैट मीन्स हमारे जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो हो जाती है करेक्ट ठीक है नेक्स्ट जो है ये नॉन लैप्सेबल है अगर यूज नहीं कर पाए तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ऐसा नहीं है तो ये जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा तो इसको जो है नेक्स्ट ईयर अलग अलग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें यूज कर सकेंगे ठीक है सो इसीलिए हमने जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो रोंग की थी नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ INB के जो ईयर बुक डेटा है वहाँ से हमने ये निकाला हुआ है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट दैट कि 10% जो है वर्कर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करेंगे इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है D1, 2 and 4 इसलिए हमारा आंसर हो जाता है D1, 2 and 4 क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसका आप ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इट इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मनी मल्टीप्लायर समथिंग विच विल मल्टीप्लाई द मनी आई एम रिपीटिंग समथिंग विच विल मल्टीप्लाई द मनी अब मुझे बताइए मनी मल्टीप्लाई होता कैसे है आपने अपने डिपॉजिट्स जो हैं बैंक को दिए हैं बैंक आपके इन डिपॉजिट्स को आगे लेंडिंग के लिए देगा उस पे बैंक क्या करेगा एज ए रिटर्न प्रॉफिट अर्न करेगा और उस रिटर्न में से क्योंकि आपने अपना डिपॉजिट दिया है तो आपको एज ए रेट ऑफ रिटर्न जो है वो वापस कर दिया जाएगा इस पूरी प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है मनी
इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है मनी। अब ये मनी यहाँ पे डिपॉजिट्स के बाद बैंक ने यहाँ लैंडिंग करी है, उस लैंडिंग पर ये मिला है, उसके बाद ये मींस ये जो बैंक है उस कम मनी को यूज करके उसको ज्यादा बना रहा है, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट यहाँ ज्यादा होता है और वो इंटरेस्ट ऑफ रेट कम देता है, बीच में बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, इतना समझे। अब जब यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है और बैंक क्या कर रहा है, इस मनी को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इतना प्रोसेस आप समझे। इन्होंने हमसे पूछा है इन चारों में से वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस किस वजह से बढ़ेगी। अगर जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट यहाँ ट्रांसफ़र करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिपॉजिट लाएंगे और वो बोलेंगे बैंक को कि बैंक आप लीजिए हमारा डिपॉजिट, आप इसका यूज़ कीजिए, हमें हमारा बाद में रिटर्न इंटरेस्ट रेट जो है वो रिटर्न कर देना। अगर ये डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, बैंक के पास पैसे ज़्यादा होंगे, बैंक लेंडिंग ज़्यादा करेगा, बैंक को रेट ऑफ़ रिटर्न का प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, बैंक रेट ऑफ़ रिटर्न इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा देगा। किसकी वजह से ये ज़्यादा हुआ, इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, अब फर्स्ट इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जब आरबीआई बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि तुम फंड का कुछ हिस्सा मेरे पास रखो, कमर्शियल बैंक्स को अपने रिजर्व्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अगर उनके अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं तो आउट ऑफ 100 रुपीज़ बैंक को अपने पास जो है आरबीआई के पास 10 रुपीज़ जो है रखने पड़ेंगे। बैंक जो इस प्रोसेस में यूज़ कर सकता है वो है सिर्फ 90 रुपीज़। यहाँ पे पिक्चर में ले आते हैं आरबीआई को। आरबीआई ने बोला तुम्हें यहाँ से 100 रुपीज़ मिले हैं डिपॉजिट के थ्रू, 10 रुपीज़ तुम्हें मेरे पास रखने हैं, इस प्रोसेस में सिर्फ तुम 90 रुपीज़ ही यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंस्ट्रेंट हो गया। जब ये कंस्ट्रेंट हुआ तो जो ए है इसने रोंग कर दिया है। ठीक है, इसने मनी को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसने मनी को रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। अब अगर बैंकिंग हैबिट जो है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं, मैंने वही पॉइंट बोला ना कि डिपॉजिट जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगी। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है दैट जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है आ जाता है सी इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम तो अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक को खुद के पास ज़्यादा अमाउंट रखनी पड़ेगी। जब कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास ज़्यादा अमाउंट रखनी पड़ेगी तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कम होगा। ऐसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो उससे मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेविंग ही नहीं होगी, तो इससे मनी मल्टीप्लाई जो है वो नहीं होगी। ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाता है बी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा आंसर, दैट इज बी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स। यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम 2023 एंड 2024 के लिए, जिसमें कि आपको गारंटेड प्रीलिम्स एंड अश्योर्ड मेंस जो है वो दिया जाएगा। अगर आपका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं होता तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको फीचर्स जो है ये सब कुछ दिख रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग होगी, प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, रिवीजन क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट. इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन हुम क्रेडिटर्स साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रिसेंटली. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने बैंक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिगार्डिंग इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट. हमें बताना है उसका पर्पस क्या है. फर्स्ट है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वो उनका काम क्या है. उनका काम है डिपॉजिट आना, लेंडिंग प्रोवाइड करवाना, तो फाइनेंस नेचर का है. अब जब वो फाइनेंशियल नेचर का है तो उसमें ये हो जाता है कि हमें बस ये देखना है कि उस फाइनेंस में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. तो हम एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो हमारा उसका मेन पर्पस क्या है. उसका मेन पर्पस है कि हम उस जो हमारा जो रिस्क है उसको कम से कम करें. जो स्ट्रेस अराइज हो रहा है, हमारा एग्रीमेंट करने का मेन पर्पस होगा उस जो फाइनेंशियल नेचर है उसमें जो अनसर्टेनिटी है, उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, हम उस रिस्क को कम से कम करें. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरेनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बर्डन से क्या मतलब, उन्हें गवर्नमेंट के बर्डन से क्या मतलब. बैंक्स को मतलब है डिपॉजिट से, लेंडिंग से, उस प्रोसेस में जो इंटरेस्ट रेट है, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट उन्हें डिसाइड करके बताता है उन्हें, तो उससे फर्क है. ठीक है. सो ए वॉन्ट बी द आंसर. सेकेंड, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब मुझे बताइए, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, इट्स एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर्स, और कर रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आया. इसका तो कोई एसोसिएशन ही नहीं बन रहा है ना. सो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग. नेक्स्ट, टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन ऑफ 50 करोड़ और मोर. अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनना होता तो उस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के एग्रीमेंट में परमिशन किसकी होती. हु इज द बैंकर ऑफ द बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब क्या वो खुद बैंक खुद से एग्रीमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो रेगुलेटर भी हम होंगे. वो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज फाइनल परमिशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी. ठीक है. सो इस हिसाब से अब बचता क्या है, डी, उसको चेक भी कर लेते हैं. टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर विच अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग. यही ऑप्शन बचता है और ये सही भी है. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू क्रेडिट सिस्टम और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फास्ट रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स. सो डी इज द राइट ऑप्शन. सो हमारा आंसर हो जाता है डी. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट शीर्षक जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया था. सो इसको आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है. 90 डेज का एक 300 आवर्स के टाइम पीरियड में जो है इनरोल करवाया आप, ये हम लेकर आ रहे हैं. आप जो है जल्दी से इसको इनरोल कर लीजिए. नेक्स्ट आ जाता है सर्विस एरिया अप्रोच. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ. देखिए बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन नहीं लगाया जा सकता. पता है तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते. बट हाँ, सर्विस एरिया से हल्का कुछ किया जा सकता है. बट सर्विस एरिया क्या है. सर्विस एरिया तो स्किल डेवलपमेंट में भी आएगा, MGNREGS में भी आएगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आएगा. बट अभी ये न्यूज़ में था उस टाइम पे. अब न्यूज़ में था तो पता होता है. सो इसीलिए बस इनपुट यहाँ से ये लेना है कि न्यूज़ को आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको देखना है. ठीक है. सो लीड बैंक स्कीम जो है वो इसका आंसर हो जाता है. ठीक है. तो मैं बता देती हूँ आपको, दिस इज द आंसर. ठीक है. उस टाइम पे ये न्यूज़ में था. तो ये बेसिकली क्या था कि एक सर्विस एरिया क्रेडिट प्लान बनाना है, फिर वहाँ पर एफर्ट जो है वो कोऑर्डिनेट किए जाएंगे बिटवीन हुम, बिटवीन गवर्नमेंट, बैंक्स और जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनके बीच में. सो इसीलिए ये क्या थी, एक लीड बैंक होगा
वो लीड बैंक जो है अपने एरिया में, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन क्रेडिट जो एजेंसीज हैं उनके और गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके से ये जो है काम किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बता दूं कि सीसेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप जल्दी से उसको इनरोल कर लीजिए। नीचे नंबर दिए गए नंबर्स पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो यूजुअली होता क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपना मनी इन्वेस्ट करें इंडिया में, बट वो यहाँ पर ना तो डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ना ही वो अपना पैन कार्ड डिटेल्स देना चाहते हैं। वो ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनमें वो नहीं जाना चाहते। जब इसमें वो नहीं जाना चाहते तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के पास। जब वो किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के पास कॉन्टैक्ट करते हैं तो जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया में उनके नाम से, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के नाम से शेयर्स जो हैं वो, या जो भी सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है वो हो जाता है। जैसे ही वो हो जाता है तो आप मुझे बताइए रजिस्टर्ड कंपनी से प्रॉफिट किसके नाम पर आएगा, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के नाम पर। बट वो अमाउंट बिलोंग किसको करती है, वो है किसकी, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। जब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हैं बट रजिस्टर्ड है इन्वेस्टर के नाम से, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक तरीके से एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट किसके थ्रू होता है, पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू। वो होता है पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू। अब हम देख लेते हैं इसको, अभी रब नहीं करते, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि ये किस मेथड के थ्रू होता है, ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू। कि एफपीआई खुद से पार्टिसिपेट करना चाहता है बट वो रजिस्टर नहीं होना चाहता, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आना चाहता, तो इसीलिए उनकी तरफ से अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ कोई अदर पर्सन जो कि रजिस्टर्ड हो वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो उनको वो पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो देते हैं, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सो पार्टिसिपेटरी नोट जो है, अ फॉरेन विशेस टू इन्वेस्ट, वो करना चाहते हैं बट वो जो भी रजिस्टरिंग हेजल्स हैं उसमें वो नहीं जाना चाहते, वो पैन कार्ड नहीं नंबर लेना चाहते, वो डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते, तो वो एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बोल देते हैं कि आप हमारी तरफ से आप परचेज कर लीजिए और आप जो परचेज करेंगे वो आप अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए। और ये सब कुछ होता किसके थ्रू है, ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट किसको मिल जाता है, ये मिल जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है डी, पार्टिसिपेटरी नोट। साथ ही साथ हमें देखना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। सो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ऑफ पेपर डिस्कशन, उसमें मैंने कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को अच्छे से इलैबोरेट करके बताया था। तो अगर आप अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वहाँ से जो है उसको कवर कर सकते हैं, डे वन का जो है वो वीडियो है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि किस तरीके से काम होता है। पैसा किसका था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का। उस पैसे को किसके नाम से रजिस्टर किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके डीमैट अकाउंट से, और उनको बदले में मिल रहा है पार्टिसिपेटरी नोट। ये पूरा प्रोसेस हो क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि ये हेजल फ्री रहे। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन रखिए, रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।